दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल तो जीता ही था, साथ ही सीरियल की टीआरपी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ये सीरियल के शुरुआती दिनों से ही सीरियल की टीआरपी बढ़ रही थी। लेकिन इनके शो से निकलने के बाद इस सीरियल में दर्शकों का इंटरेस्ट कम होने लगा, जिसकी वजह से शो की टीआरपी भी बुरी तरीके से गिर गई। लेकिन दोस्तों शिवांगी जोशी ही वो अदाकारा नहीं है जिन्होंने सीरियल से निकलने के बाद शो की टीआरपी घटाई है, बल्कि ऐसे कई और सितारे हैं जिनके निकलने के बाद सीरियल की टीआरपी घटी है, और इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सितारों के बारे में बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन सितारों के बारे में। नंबर वन, मोहसिन खान। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेता मोहसिन खान का, जिन्होंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक का किरदार निभाया था, जहां इनके किरदार की खूब तारीफ की गई थी और ये अभिनेता दर्शकों के फेवरेट भी बन गए थे, साथ ही दर्शकों की ये सीरियल देखने की वजह भी बन गए थे। लेकिन जब इन्होंने सीरियल से निकलने का फैसला किया तो दर्शकों ने सीरियल को देखना काफी कम कर दिया, जिसके चलते सीरियल की टीआरपी गिरती हुई नजर आई थी। नंबर टू, गश्मीर महाजनी। अब बात करें अभिनेता गश्मीर महाजनी के बारे में, तो अभिनेता सीरियल इमली में आदित्य के रोल में नजर आए थे, जहां ये इमली के पति के किरदार में थे और इनके इस रोल को दर्शक खूब पसंद कर रहे थे, जिसके चलते टीआरपी तो बढ़ रही थी और साथ ही सीरियल में चार चांद भी लग रहे थे। लेकिन जब से सीरियल से निकले हैं तब से ही सीरियल की टीआरपी घटती हुई नजर आ रही है। नंबर थ्री, पारुल चौहान। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार है अभिनेत्री पारुल चौहान का, जिन्होंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में स्वर्णा का किरदार निभाया था, जहां एक सास के रूप में नजर आई थी और इनके इस किरदार को दर्शक बेहद पसंद करते थे, जिसके चलते इन्हें सीरियल की बढ़ती हुई टीआरपी की वजह भी मानी जाती थी। लेकिन इनके सीरियल से निकल जाने के तुरंत बाद इस सीरियल की टीआरपी घटने लगी थी। नंबर फोर, अविनाश रेखी। अगर बात करें अभिनेता अविनाश रेखी के बारे में, जिन्होंने सीरियल छोटी सरदारनी में सरबजीत का किरदार निभाया था, जहां हमने इनको एक पति के साथ एक बाप की भूमिका भी अदा करते हुए देखा था, जिसे इन्होंने बखूबी पर्दे पर उतारा था। लेकिन जब से इन्होंने सीरियल से एग्जिट किया है तभी से दर्शकों की इस सीरियल को देखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है और इस वजह से सीरियल की टीआरपी घटती हुई नजर आई है। नंबर फाइव, यामिनी मल्होत्रा। इस लिस्ट के अंत में बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में शिवानी बुआ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री यामिनी मल्होत्रा का, जिनका किरदार सीरियल में काफी अच्छा और अहम रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस सीरियल से एग्जिट ले लिया था, जहां इनके रोल में हमें अभिनेत्री तन्वी ठक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन दर्शकों ने इन्हें यामिनी मल्होत्रा के बराबर पसंद नहीं किया है, जिसके चलते सीरियल की टीआरपी घटती जा रही है। तो दोस्तों आपने इन सितारों में से किस सितारे के जाने पर उन्हें मिस किया है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।